ये हमारे लिए बड़ी खुशी और फ़ख्र की बात है कि उन्होंने एक इंडिविजुअल इवेंट में जीता, अब एक टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो हम तमाम के लिए बड़ी खुशी की बात है कि और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और यकीनन उन्होंने बहुत मेहनत की है इस मेडल को हासिल करने के लिए, और ये बड़ी फ़ख्र की बात है हमारे लिए। दो बड़े हादसे देश में, वायनाड में बाढ़ जैसी स्थिति है, कई लोग मारे गए हैं, रेल एक्सीडेंट हुआ है, सर कैसे देखते हैं? देखिए, वायनाड में तो एक लैंडस्लाइड है और एक नेचुरल कॉज उसका है, और बड़ा अफसोसनाक बात है, 20 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। मगर जो ट्रेन के हादसात आए दिन हो रहे हैं, इसको नेचुरल नहीं बोल सकते हम। इसमें गलती है सरकार की, इसमें गलती है वहाँ के जिम्मेदारों की कि हम इन एक्सीडेंट्स को नहीं रोक पा रहे हैं, और कभी किसी पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। और हो क्या रहा है कि एक्सीडेंट्स में एक तो लोगों की जाने जा रही हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, और नुकसान रेलवेज़ का भी हो रहा है, जनता का भी हो रहा है, और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस जो है वो बीजेपी मोदी सरकार का हो रहा है, और वो इसका अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करती, ना उसको रोकने के लिए कोई इकदाम करते हैं लोग। ये हमारे लिए बड़ी खुशी और फ़ख्र की बात है कि उन्होंने एक इंडिविजुअल इवेंट में जीता, अब एक टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो हम तमाम के लिए बड़ी खुशी की बात है कि और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और यकीनन उन्होंने बहुत मेहनत की है इस मेडल को हासिल करने के लिए, और ये बड़ी फ़ख्र की बात है हमारे लिए। दो बड़े हादसे देश में, वायनाड में बाढ़ जैसी स्थिति है, कई लोग मारे गए हैं, रेल एक्सीडेंट हुआ है, सर कैसे देखते हैं? देखिए, वायनाड में तो एक लैंडस्लाइड है और एक नेचुरल कॉज उसका है, और बड़ा अफसोसनाक बात है, 20 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। मगर जो ट्रेन के हादसात आए दिन हो रहे हैं, इसको नेचुरल नहीं बोल सकते हम। इसमें गलती है सरकार की, इसमें गलती है वहाँ के जिम्मेदारों की कि हम इन एक्सीडेंट्स को नहीं रोक पा रहे हैं, और कभी किसी पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। और हो क्या रहा है कि एक्सीडेंट्स में एक तो लोगों की जाने जा रही हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, और नुकसान रेलवेज़ का भी हो रहा है, जनता का भी हो रहा है, और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस जो है वो बीजेपी मोदी सरकार का हो रहा है, और वो इसका अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करती, ना उसको रोकने के लिए कोई इकदाम करते हैं लोग।